साथ नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। यूपी के पीलीभीत में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए जाने के आरोप में मजिस्ट्रेट ने राजस्व विभाग की टीम के साथ गांव पहुंचकर पुलिस की मौजूदगी में सरकारी जगह की पैमाइश कराकर सीमांकन कराया और पिलर लगवाकर ग्राम प्रधान को जमीन का नंबर सुपुर्द कर दिया। वहीं ग्रामीणों की माने तो उनका कहना है गांव के लोगों ने सरकारी जमीन को अपनी बताकर उनके हाथों बेच दिया है। ऐसा था, ये 638 ग्राम समाज का रकबा है, इस पे गांव के कुछ लोगों ने शिकायत कर दी थी। इसके बाद कानूनगो साहब और लेखपाल आए थे, उन्होंने सीमांकन किया था इसका और मना कर गए थे, लिखित में भी दे गए थे आदेश, लेकिन नहीं माना। उसके बाद मैं दोबारा फिर गांव वालों ने शिकायत कर दी। अब उस शिकायत के साथ जब मतलब आज नायब तहसीलदार साहब होश के साथ आए, तो आज और तहसीलदार और राजस्व की माइक क्या करके गई, ये नाप करके गई है। अब उसमें नाप करके ये बताया था कि ये जो अवैध निर्माण हो रहा है ये जगह गुल की है। दरअसल मामला जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़गंज गांव का है। बताया जा रहा है ग्राम प्रधान ने गूल और ग्राम पंचायत की सरकारी जमीनों पर लोगों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने की शिकायत अधिकारियों से की थी, जिस पर नायब तहसीलदार अवधेश कुमार ने राजस्व की टीम के साथ गांव पहुंचकर कई जगहों की नाप कराकर पैमाइश कराई और सीमांकन कराया। वहीं कब्जा की गई जमीनों पर राजस्व टीम ने पिलर लगवाकर ग्राम प्रधान को उन जमीनों का नंबर सुपुर्द कर दिया है। वहीं मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार का कहना है जिन लोगों द्वारा जमीनों पर अवैध कब्जा किया गया है उन लोगों से जल्द जमीनें खाली कराई जाएंगी। यहाँ के ग्राम प्रधान ने शिकायत की थी कि घाटा संख्या 638 जो गोल के नाम दर्ज है उस पर कुछ अवैध निर्माण हो रहा था, जिसकी आज राजस्व टीम के द्वारा उसकी पैमाइश करा दी गई है। पैमाइश कराकर ग्राम प्रधान को गोल का नंबर सौंप दिया गया है। वहाँ पर निशान उशान लगवा दिए? हाँ, निशान वगैरह सब लगवा दिया। तो कब्जे को हटवाया जाएगा? हाँ बिल्कुल हटवाया जाएगा, अगर इतना बना होगा। लगभग कितने ऐसे कब्जे आज भी अवैध रूप से? हाँ कई लोग हैं, उनका भी लेखपाल के नाम से नोट करा दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद नेशन न्यूज। अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारी खबरों की लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप हमें Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करना न भूलें। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.azadnationnews.com।